हाय माय ब्यूटीफुल पीपल कैसे हैं आप सब लोग आप सभी लोगों का बहुत सारा वेलकम है गाइस ट्रिपल वन डायरे चैनल के ऊपर सो गाइस आज की जो रीडिंग है वो है नेक्स्ट टू आवर्स यस yes, बहुत ही बहुत ही कम समय का टाइम प्रिडिक्शन सो नेक्स्ट टू आवर्स में आप लोग मोस्ट प्रोबेबली क्या पाने वाले हैं दिस इज ऑल अबाउट टू डेज रीडिंग बस आप लोगों ने क्या करना है अपना बर्थ मंथ पिक करना है ओके okay? सो so, देख लीजिए ये है पाइल नंबर वन ये है पायल नंबर टू आपको मैं ऐसे बताती हूँ आपको थोड़ा सा दिखे ताकि आपने सिर्फ और सिर्फ पिक करना है अपना बर्थ मंथ ओके सेलेक्ट करना है आपने कौन से पाइल में आपके जन्म का महीना है ओके एंड आप लोग देख पाएंगे कि नेक्स्ट टू आवर्स में आपको क्या क्या मिल सकता है आपको क्या क्या रिसीव हो सकता है इन नेक्स्ट टू आवर्स ओके चलिए हाई एम अ ब्यूटीफुल पाइल नंबर वन पीपल तो चलिए देखने की कोशिश करते हैं कि अगले दो घंटे में आपकी जिंदगी में क्या बदलाव होने वाले हैं सो दिस इज वेरी शॉर्ट प्रोडिक्शन है ना बहुत ही शॉर्ट टर्म प्रोडिक्शन है लाइक कैन यू इमेजिन नेक्स्ट टू आवर्स तो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग रहने वाली है एंड आई आई होप एंड आई विश कि आप सभी लोगों से पॉजिटिव सारी चीजें रेजोनेट हो क्योंकि कुछ नेगेटिव भी आ सकता है तो ये है पाइल नंबर वन की रीडिंग यानी कि आपका बर्थ मंथ फरवरी अप्रैल जून अगस्त अक्टूबर या दिसंबर हो सकता है तो चलिए स्टार्ट करते हैं ओ, ओके प्लीज डिवाइनिंग एजल्स पाइल नंबर टू के लिए बताइए कि अगले दो घंटे में वो लोग क्या रिसीव करने वाले हैं कौन से रिसीविंग मोड पर जाने वाले हैं क्या रिसीव करने वाले हैं सब सोड्स जिमन आए फाइव वॉन्च कुछ नेगेटिव आए तो प्लीज उस चीज को एज एन एडवाइज लें ओके okay? एंड uh, उस चीज के लिए सतर्क हो जाएं ओके okay?

सिर्फ हमारे देखने का नजरिया है Let me check some more cards for you. मुझे तो कुछ अच्छा आता हुआ नजर आ रहा है बाकी देखते हैं अपन एस ऑफ कप्स टू ऑफ पेनिकल्स एंड फाइव ऑफ सोट्स मैं थोड़ा सा कैमरा नीचे करती हूँ सो माय ब्यूटीफुल पायल नंबर वन पीपल अगर आप लोगों का जन्म फरवरी अप्रैल जून अगस्त अक्टूबर दिसंबर में हुआ है तो सबसे पहली बात तो अगले दो घंटे में आपको बच के रहने की जरूरत है किसी के साथ किसी तरीके की लड़ाई झगड़ा होते हुए मुझे यहाँ पे नजर आ रहा है मैं फील कर पा रही हूँ क्योंकि और ये जो लड़ाई झगड़ा होगा ये एवे का होगा एवे का मतलब कि कोई एस सच बात नहीं है बस हो गया ठीक है एक तरीके का ऐसा कोई झगड़ा होगा कि बस कोई बात नहीं है और हो गया यानी कि बेवजह या फिजूल के जो झगड़े होते हैं ना बेवकूफी वाले जो होते हैं मिचोर झगड़े जो होते हैं ऐसा झगड़ा होगा ये किसी के साथ भी हो सकता है किसी के साथ भी ठीक है या तो ये आपकी किसी फैमिली मेंबर से हो सकता है आपके किसी खास दोस्त से हो सकता है या फिर आपके पर्सन से हो सकता है किसी से भी हो सकता है सिबलिंग से हो सकता है किसी से भी लेकिन बहुत ही गंदा वाला झगड़ा होगा और ये गंदा वाला झगड़ा ऐवे बैठे बिठाए हो गया हो जैसे ठीक है और आपको समझ नहीं आएगा आप इस झगड़े से काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड फील करोगे एंड यू विल बी लाइक कि पता नहीं मेरी जिंदगी में ऐसा क्यों होता है बैठे बिठाए कोई ना कोई आ जाता है लड़ने और झगड़ने के लिए मुझसे ठीक है उस झगड़े को शांत करने के लिए हो सकता है किसी तरीके की नेगेटिविटी आपको मोल लेनी पड़े या फिर कोई ऐसी रिस्पांसिबिलिटी उठा लेनी पड़े जो आप बिल्कुल भी नहीं चाहते हो ओके और नेक्स्ट 2 आवर्स में आप काफी ज्यादा अजीब सा महसूस करोगे आपको काफी ज्यादा कन्फ्यूज फील हो सकता है हो सकता है आपकी जिंदगी में किसी तरीके की ऐसी अपॉर्चुनिटी आए क्योंकि एडजस्ट पॉसिबिलिटीज का कार्ड है ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी कहीं से आए कि आप टोटली totally कन्फ्यूज हो जाओ कि पता नहीं ये चीज चाहती क्या है मुझसे जिंदगी चाहती क्या है मुझसे अब ऐसे कन्फ्यूज करके बैठा दिया मुझे ठीक है तो या तो हो सकता है आपके साथ में किसी तरीके का झगड़ा या फिर दूसरा हो सकता है आपके पास किसी तरीके की अपॉर्चुनिटी आएगी जिसकी वजह से आप कंफ्यूज हो जाएंगे टोटली एंड आपको अपनी ज्वेलरी जो लड़कियां देख रही हैं उनको बता रही हो स्पेशली आपको अपनी सॉरी गॉड ब्लेस टू मी आपको अपनी ज्वेलरी या फिर आपको अपनी है ना चीजों का थोड़ा ध्यान रखना है कुछ घूमने के भी आसार मुझे यहाँ पे नजर आ रहे हैं ठीक है, है? जैसे कुछ जैसे कुछ वैल्यूएबल घूम गया जो कि एक्चुअल में मनी वाइज वैल्युएबल ना हो लेकिन आपके लिए बहुत ज्यादा वैल्यूएबल है ऐसा कुछ घूम सकता है आपका तो आ, मुझे ये चीजें नजर आ रही है एंड द फोर्थ एंड द लास्ट थिंग जो मुझे यहाँ पे फील हो रही है वो हो रही है कि आपकी जिंदगी के अंदर अगर किसी तरीके का फाइनेंशियल कॉन्स्ट्रेंट किसी तरीके की नेगेटिविटी चल रही थी रिलेटेड टू मनी और रिलेटेड टू करियर तो वो खत्म होने वाली है बिकॉज ढेर सारी जगह से आपके पास में अपॉर्चुनिटी आने वाली है किसी तरीके का नाइन ऑफ कप्स वाली फीलिंग यानी कि आपकी विश फुलफिल होने वाली है एंड आप उसके लिए प्लानिंग करते हुए मुझे नजर आ रही हो कई लोगों के लिए ट्रैवलिंग भी हो सकती है कि आप लोगों को ट्रैवल करना पड़े क्योंकि यहां पर भी सी है यहां पर भी सी है यहां पे भी सी है तो एंड कप्स तो है ही तो मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि हो सकता है आप लोग कहीं ट्रैवल करें और ट्रैवल नहीं करते हैं तो फिर ऐसा हो सकता है कि आप तैयारियां करें या फिर प्लानिंग्स करें बिकॉज वी हैव द सेवन ऑफ सोर्स प्लानिंग्स करें आप किसी तरीके की कि चलो ऐसे हो रहा है ये हो रहा है वो हो रहा है एक्सेट्रा ओके सो आई एम सींग ऑल दीज थिंग्स फॉर यू पाइल नंबर वन इन नेक्स्ट टू आवर्स सबसे पहली चीज किसी तरीके का झगड़ा झगड़ा किसी से भी हो सकता है दूसरी चीज किसी चीज का गुमना तीसरी चीज किसी तरीके की ऐसी अपॉर्चुनिटी जिसके बीच आप कंफ्यूज होंगे चौथी चीज कि आपकी लाइफ में कुछ ऐसा आएगा जिसकी वजह से आप बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव फील करेंगे एंड फाइनेंशियल कॉन्स्टेंट आपके खत्म होंगे एंड पांचवी और सबसे अहम चीज आप किसी तरीके की ट्रिप की प्लानिंग करने वाले हैं क्योंकि आप एंजल ऑफ लव हैं आप सबसे बहुत सारा प्यार करते हैं तो आपकी जिंदगी में कुछ तो अच्छा होना ही होना है नाउ लेट मी चेक कार्ड्स के थ्रू कि आपकी जिंदगी में और क्या आ सकता है नेक्स्ट कुछ टाइम में नेक्स्ट टू आवर्स में ओल्ड लव हो सकता है ये जो अपॉर्चुनिटी वाली बात है ये आपके किसी ओल्ड लव और किसी न्यू लव की तरफ से आ जाए ओके पावर अपॉर्चुनिटीज आ रही है पावर आएंगे आपके पास एंड गुडनेस आएगी आपके पास और ग्रोथ आएगी आपके पास तो ढेर सारी पॉसिबिलिटीज के साथ ढेर सारी ग्रोथ एंड ओल्ड लव भी आ सकते हैं आपकी जिंदगी में लेकिन अगर ये ओल्ड लव आता है क्योंकि मुझे कंफ्यूज फीलिंग बहुत ज्यादा फील हो रही है तो ऐसा हो सकता है कि किसी तरीके की कंडीशन uh, लेकर आए ठीक है किसी तरीके की कंडीशन लेकर आए सो पाई नंबर वन पीपल नेक्स्ट टू आवर्स आपके ऐसे होने वाले हैं तो प्लीज थोड़ा सा पॉजिटिव रहे नेगेटिव चीजों को एडवाइस की तरह लेकर के और उस पर काम करें एंड जो पॉजिटिव होगा तो मुझे जरूर बताएं आकर के नेक्स्ट टू आवर्स बाद ओके okay? चलिए बाय हाय एम ब्यूटीफुल पायल नंबर टू पीपल तो अगर आप लोगों का जनवरी मार्च मई जुलाई सितंबर नवंबर में बर्थ हुआ है तो चलिए चेक करने की कोशिश करते हैं कि नेक्स्ट टू आवर्स में आप लोगों की जिंदगी में क्या आने वाला है ओके सो दिस इज जनरल रीडिंग और टाइमलेस भी है आई होप ये सब लोगों से रेजोनेट करे आप जब भी देख रहे हैं इस रीडिंग को ये आपसे रेजोनेट करेगी एंड आपके लिए एप्लीकेबल होगी पाइल नंबर टू पीपल टू ऑफ सोज ओके जिमनाई लिब्रा एक्वेरियस हो सकते हैं आप क्वीन ऑफ सोज एड ऑफ वॉर्ड ऐसा क्या करने वाले हैं आप ठीक <laughs> है द डेविल कार्ड बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास नाइन ऑफ पेनिकल्स पीस तो मिलेगी चलो कम से कम देन वी हैव डोर टू वैल्यू द सन एंड थिंकिंग वुमेन बटम ऑफ द डेक एनवे अगेन एनवे और देखो द डेविल भी था बचके रहने की जरूरत है बाबा बचके रहो धोखे धड़ी से बचना क्वीन ऑफ पेनिकल्स फोर ऑफ सोट्स ंग ऑफ सोर्स क्वीन ऑफ सोट्स किंग ऑफ सोट्स बॉटम ऑफ द डेक चैरियट कई लोग चैरियट को चेरोइड पर बुलाते हैं ज्यादा पसंद है एनी वेज सो दीपल हु इज वॉचिंग पाइल नंबर टू गाइज आप लोगों के जोडियस जेमनाइ लिब्रा एक्वेरियस एरीज लियो सेचिटेरियस टॉर्च वर्गो कैप्रिकॉन Hmm, हो सकते हैं स्कॉर्पियंस दिख रहे हैं मुझे स्कॉर्पियंस एंड लियो फील हो रहे हैं मुझे एनीवेज ओके नेक्स्ट टू आवर्स काफी ज्यादा डिप्लोमेटिक रहने वाले हैं आप लोगों के लिए पायल नंबर टू पीपल जैसे कि ढेर सारी मेहनत करना, <coughs> करना चाहते हो लेकिन चीजें कहीं ना कहीं अड़ जाती हैं बहुत कुछ क्रिएट करना चाहते हो लेकिन कहीं ना कहीं फंस जाते हो बहुत कुछ चाहते हो अपनी जिंदगी में अपने आप से बहुत कुछ चाहते हो लेकिन कहीं ना कहीं अड़ जाते हो नेक्स्ट टू आवर्स आपके लिए किसी तरीके का खतरा लेकर आ सकते हैं जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है अम्म आम... आपको थोड़ा सा ना बच के रहने की जरूरत है डेविल का कार्ड है यहाँ पे हो सकता है आपको कोई नेगेटिवली इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करे रिगार्डिंग योर मनी रिगार्डिंग टू योर लव रिगार्डिंग योर रिलेशनशिप रिगार्डिंग योर फैमिली किसी भी चीज के लिए कोई आपको नेगेटिवली इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करे ये नेगेटिव इन्फ्लुएंसर आपके घर का कोई बहुत ही करीबी है या फिर आपके दिल का कोई बहुत ही करीबी है एक्चुअली दिस पर्सन डोंट वॉन्ट टू गिव यू एनी नेगेटिव एडवाइस लेकिन ये डिस्टाइन है ओके okay, मुझे थोड़ी डिस्टाइन सी फीलिंग आ रही है कि ऐसा होना है इस वजह से ऐसा हो रहा है आपके साथ एंड यू विल बी फील लाइक पता नहीं मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है आप किसी तरीके के नेगेटिव इन्फ्लुएंस में आकर के कोई गलत डिसीजन ले सकते हैं ठीक है एंड यहाँ पे क्योंकि एनवी का भी कार्ड था एज आई टोल्ड यू है ना एनवी का भी कार्ड है तो मैं आपको बोलूंगी गाइस कि थोड़ा सा आपको ना सतर्क होकर के चीजों को स्टेबली समझने की कोशिश करना अच्छा सोचने की कोशिश करना और अभी नेक्स्ट uh, वैसे टू आवर्स की है प्रडिक्शन लेकिन अगले दो दिन आप किसी तरीके का कोई मेजर डिसीजन मत लेना ठीक है आपको थोड़ा सा इंतजार करने के लिए क्योंकि कार्ड्स आए हैं तो नेक्स्ट टू आवर्स में आपके पास किसी तरीके का कोई नेगेटिव इन्फ्लुएंसर आ सकता है जो कि आपको कहीं भी किसी ना किसी तरीके से नेगेटिवली इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करेगा बट वट यू नीक टू डू इज यू नीड टू हैव सम पेशेंस अपने खुले खुले दिमाग और दिल से सोचने की कोशिश कीजिएगा कहीं आप कोई डिसीजन गलत ना ले लें ओके सेकेंड चीज मैं यहां पे देख रही हूं सेकेंड थिंग जो मैं देख रही हूं वो है कि जो लोग शादी के प्रपोजल्स या शादी की अपॉर्चुनिटी लेना चाहते हैं उन लोगों के पास शादी के ऑप्शंस uh, आ सकते हैं एंड ये पर्सन जो होंगे जिनके साथ आपकी शादी के ऑप्शंस uh, आएंगे वो टोटली totally आप जैसे ही होंगे बिकॉज वी हैव द क्वीन ऑफ सोच किंग ऑफ सोर्स एंड क्वीन ऑफ सोर्ट्स ठीक है और ये पर्सन टोटली बिल्कुल ऐसे ही होंगे जैसा कि आप चाहते हैं आपसे मेल खाते होंगे और इनके पास ढेर सारा पैसा होगा तो ऐसा मत कीजिएगा कि आप सिर्फ और सिर्फ पैसे को वैल्यू देके इनको पिक कर लें थोड़ा सा सोचिएगा समझेगा हो सकता है यही डिसीजन मेकिंग का टाइम पीरियड हो आपके लिए ओके सो यू नीड टू वेट फॉर एवरी थिंग लाइक सोच के समझ के फिर ही आपने आंसर करना है थिंकिंग वुमेन का बिकार है आप लोगों के लिए आपकी किसी तरीके की बड़ी विश मुझे यहाँ पे है ना पूरी होती हुई नजर आ रही है माय ब्यूटीफुल पार्ल नंबर टू पीपल किसी तरीके की कोई बड़ी विश है ये आपके लिए सन का कार्ड आया हुआ है अगर आप लोग चाहते हैं कि आम, ग्रोथ हो आपके करियर में आपका कोई बिजनेस है या जॉब है तो उससे रिलेटेड ग्रोथ का कुछ काम हो सकता है या फिर आपके पास किसी तरीके की ऐसी अनएक्सपेक्टेड अपॉर्चुनिटी आएगी कि आप सोचेंगे ऐसा भी हो सकता था क्या किसी का कॉल मैसेज आप रिसीव कर सकते हैं वी हैव एट ऑफ वॉन्स कार्ड ओके किसी की तरफ से कम्युनिकेशन आप रिसीव कर सकते हैं ये कम्युनिकेशन ऑफिशियल भी हो सकता है पर्सनल भी हो सकता है ठीक है तो आम, कई लोग घर बनता हुआ अपना देख सकते हैं या ऐसा हो सकता है कि घर की कोई बात चल जाए ऐसे घर बनाए यहां घर लें ऐसा कुछ या फिर ऐसा हो सकता है कि कोई ओल्ड पर्सन है जो कि आपकी जिंदगी में अचानक से आ जाए एंड यू विल बी अमेज कि यार ये क्या हुआ मेरे साथ ओके okay? तो कुछ अच्छा होने को है और बस आपको है ना डिसीजन मेकिंग से थोड़ा सा बचना है होप आपके पास में किसी तरीके की होप आ सकती है जैसा कि मैंने बोला कि घर बनने की होप या किसी अपॉर्चुनिटी की होप ग्रोथ की होप या फिर आपके पार्टनर की होप ओके कम्युनिकेशन मिले उनसे ऐसा भी हो सकता है देन वी हैव द कार्ड ऑफ पीस तो शांति मिलेगी आपको नेक्स्ट टू आवर्स सुकून रहेगा आपकी जिंदगी में पोजिशन मिल सकती है किसी तरीके की ठीक है एंड ब्लेसिंग्स मिलेंगी और आपको मिलने वाला है डिवाइनिक लव हो सकता है कोई न्यू लव आपकी जिंदगी में आ जाए तो आप टोटली शॉर्ड हो जाए कि यार ये क्या हुआ ओके okay? तो काफी कुछ अच्छा आता हुआ मुझे नजर आ रहा है और क्योंकि यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक चेरियट और चैरियट के नीचे दिखाऊं किंग ऑफ नाइट ऑफ सोर्ड्स यानी कि बहुत फास्टली होने वाला है तो दो घंटे में आपके पास ये सारी चीजें होने वाली हैं बस आपके लिए एडवाइस है कि प्लीज थोड़ा सा समझ के ध्यान से Uh, uh, किसी भी तरीके का डिसीजन लेना अभी कम से कम इस वीडियो को देखने के दो दिन बाद तक कोई डिसीजन मेकिंग ना करें तो आपके लिए प्रॉफिटेबल होगा ठीक है सो लाइक दिस वीडियो सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड फॉर एनी काइंड ऑफ पर्सनल पेड रीडिंग पाइल नंबर टू पीपल आप लोग मुझे मेल करें या फिर इंस्टाग्राम पर मैसेज करें